What's up guys, creating awareness here. Hope you all are good. So today's topic is photo morphing. Now ये बात तो हम सबको ही जानते हैं कि photo मतलब एक particular image है, but morphing मतलब बहुत rare को पता है. So morphing में होता क्या है, एक particular person का face को cut करके किसी और का face को उस पर attach कर दिया जाता है. Like अगर अच्छे से किया जाए फोटोशॉप, देन समझ में भी नहीं आएगा कि ये पर्सन जो दिख रहा है सामने में ये एक्चुअली में यही है या फिर कोई और है, मॉर्फ किया हुआ है. ओके तो अधिकतर केसेस आता है लड़की लोग का. लाइक आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो मॉर्फ पिक्स, आपको मैक्सिमम केसेस दिखेगा गर्ल्स का. ओके लाइक उसमें होता क्या है, रैंडम गर्ल्स का पिक को डाउनलोड किया जाता है, डाउनलोड करने के बाद मॉर्फ किया जाता है. कभी कोई नॉर्मली मॉर्फ करके इधर उधर अपलोड कर दिया जाता है, और इस मैक्सिमम जो अपलोड्स होता है वो होता है अडल्ट वेबसाइट पे. आप देख सकते हो जो लोग विजिट करते हो मैक्सिमम को ये दिखा होगा कि लाइक दिखता है, कुछ कुछ साइट से दिखता होगा कि लाइक हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ तो हम देख रहे हैं ये मॉर्फ किया हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है. सो इससे आप बचे कैसे? इससे बचने के लिए सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग जो आपका अकाउंट्स है वो सबको एकदम सिक्योर करना होगा. लाइक अगर हम फेसबुक का बात करें, स्पेशली लड़की लोग के लिए, ओके अगर हम फेसबुक का बात करते हैं तो प्लीज़ आप अपने प्रोफाइल को प्राइवेट रखिए. जितना प्राइवेट रखेंगे आप उतना अच्छा होगा, उतना कम चांसेस है मॉर्फ होने का या विक्टिम बनने का, राइट? लाइक अब आप कैसे सिक्योर करोगे? ऑब्वियसली आपका जो फ्रेंड लिस्ट है सबसे पहले उसको हाइड करिए. फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आ रहा है, अगर आप देख रहे हो कि हाँ म्यूचुअल है तो आप सोचते होगे, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ म्यूचुअल है चलो ऐड कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना है. पहले आप कंफर्म करिए जो म्यूचुअल से आपको शो कर रहा है उसमें, उन लोग से पहले पूछिए कि इसका रिक्वेस्ट आया है क्या, तुम इसको पर्सनली जानते हो? अगर वो बोलता है, आपका म्यूचुअल से आपको बोलता है कि हाँ हम जानते हैं, देन ओनली ऐड देम और इज डोंट. बेटर टू बी सेफ, राइट? कौन कब किस मकसद से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसके दिमाग में क्या है, आपको कोई आइडिया नहीं है. आप फेसबुक पे सब अपडेट्स कर रही हो, ऑब्वियसली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आप यूज़ कर रही हो सबसे बात करने के लिए. अब आप बोलोगे कि आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने मना कर रहे हो, ये तो लाइक सोशल मीडिया में हम लोग क्यों है, लाइक नया नए फ्रेंड्स बना सके, सोशल मीडिया फ्रेंड्स बना सके. लेकिन कब कौन फ्रेंड आपका हार्म कर जाए आपको तो ये पता नहीं है. सो फ्रेंड लिस्ट को पहले हाइड करिए, ओनली मी करके रखिए. टाइमलाइंस एंड टैगिंग में सब ए टू जेड प्राइवेट करिए, ओनली मी करिए, कि अगर कोई आपका फ्रेंड आपको किसी चीज़ में टैग करता है तो आपके प्रोफाइल में जो शो कर रहा है वो आपके अलावा किसी और को ना दिखे. अगर आप सोच रही हो कि सब पब्लिक रखने से कोई दिक्कत नहीं है तो आप बहुत गलत सोच रही हो. आपको खुद भी आइडिया नहीं है कि आपका पिक हो सकता है कि मॉर्फ करके कहीं पे अपलोडेड है. हु नोज, आप भी हो सकते हो विक्टिम, बट आपको पता नहीं है. जिन लोगों को पता रहता है वो लोग केसेस लॉन्च करती हैं. एंड जब भी कभी भी आप देखें कि ऐसा कोई मॉर्फ पिक अपलोड हुआ है, लेट नहीं करके तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लॉन्च करिए. रेस्ट साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेल जो है आपको हेल्प प्रोवाइड ज़रूर करेंगे. ये हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि पर्टिकुलर इमेज कहाँ से अपलोड हुआ है. ट्रस्ट मी, ये पॉसिबल है. एक पर्टिकुलर इमेज जो नेट पे अपलोड हुआ है, इट्स पॉसिबल टू फाइंड फ्रॉम वेयर इट्स बीन अपलोडेड, राइट? सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए.